हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल लेट से हेल्प यू में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को बहुत सारे म्यूचुअल फंड किए होंगे। जैसे आप लोगों को 3-4 म्यूचुअल फंड किए हो, जैसे मान लीजिए आप एक का SBI का किए हो, एक ICICI किया हो, एक एक्सिस का किया हो। अगर आप लोग डिफरेंट कंपनी का म्यूचुअल फंड लेते हो, उस सारे को मैनेज करने के लिए आप सारे का आप रखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग को सारे का वेबसाइट आपको विजिट करके मैनेज करना पड़ेगा। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, आप इस सारे म्यूचुअल फंड को एक ही जगह में देख सकते हो, उसको मैनेज भी कर सकते हो, चाहे आपका रिडीम हो जाए या आपका न्यू SIP हो, सारे म्यूचुअल फंड आप लोग एक ही जगह में कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, उस ऐप का नाम हो गया माई कैंप्स। आप लोग को माई कैंप्स का अंडर में जितना सारा म्यूचुअल फंड आता है, माई कैंप्स का अंडर में करीब 16 म्यूचुअल फंड आता है, 16 म्यूचुअल फंड आता है। आप लोग इस सारे म्यूचुअल फंड को एक जगह में उसको परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, सारी चीज़ इसको मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो म्यूचुअल फंड है, आप लोग इस ऐप के थ्रू उसको मैनेज नहीं कर सकते हो। तो आप लोग को ये अभी जानकारी हो गया होगा, आप लोग कौन कौन सा म्यूचुअल फंड को इस ऐप के थ्रू आप लोग मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले माई कैंप्स का आपको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लोग डाउनलोड किए नहीं हो तो चलिए मैं आपको प्ले स्टोर ले जाता हूँ। ये आपका म्यूचुअल फंड ऐप हो गया, इसको आप लोग को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसका आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दे दूंगा। अभी मेरा ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए उस ऐप को अभी खोल के देखते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को पहली बार उस ऐप को यूज़ कर रहे हो तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप लोग को पहले से उसको यूज़ कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं। ये रहा वो ऐप। इसे ऐप को खोलने के बाद आपको देखिए नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक हो गया आपका लॉगिन हो गया, एक हो गया आपका रजिस्टर हो गया। अगर आप लोग पहली बार माई कैंप्स का आप खोल रहे हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप लोग पहले से उसको यूज़ कर रहे थे तो उसको सिर्फ आपको लॉगिन करना पड़ेगा, अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर का ऊपर आपको क्लिक करना है। रजिस्टर का ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये सारा ऑप्शन मिलेगा, एक हो गया एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर विद कैंप्स सर्विटी फंड्स। जैसे मैं आपको बोल दिया कि कौन कौन सा म्यूचुअल फंड आपका कैंप्स का अंडर में आता है, अगर उस म्यूचुअल फंड कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग का खुली हुए तो आप लोग को यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो अगर आपका पास इनमें जो 16 म्यूचुअल फंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड आपका पास है नहीं, अगर आप पहली बार हो तो आपको रजिस्टर एंड ट्रांजैक्ट का ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ऑलरेडी मेरे पास कैंप्स का म्यूचुअल फंड है, तो रजिस्टर का ऊपर क्लिक कीजिए। तो रजिस्ट्रेशन का ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा आपका जो ईमेल रजिस्टर्ड है, आपको फोलियो के साथ उस ईमेल को डाल दीजिए, उसके साथ ही साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसको डाल दीजिए। इस दोनों को एक एक OTP जाएगा, आपका मोबाइल हो गया और आपका ईमेल को एक एक OTP जाएगा। ये दोनों OTP को देकर सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको बोलेगा पासवर्ड सेट करने के लिए। अब पासवर्ड का कंडीशन आप लोग देख लीजिए, तो आपका जो पासवर्ड का क्राइटेरिया होगा, आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर होगा और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर होगा। उसमें अल्फाबेटिकल रहेगा, न्यूमेरिक्स रहेगा एंड स्पेशल कैरेक्टर रहेगा। तो यहाँ पे मैं मेरा पासवर्ड सेट कर चुका हूँ, उसके बाद कन्फर्म का ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो वेलकम योर अकाउंट इज क्रिएटेड। तो इसके बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आपको लॉगिन का ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन का ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा यूजर MPIN पैटर्न। तो आपको क्या करना है, यूजर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग पहली बार करो तो आपको यूजर सिलेक्ट करना है। तो यूजर सिलेक्ट करने के बाद आपका जो रजिस्टर मेल अभी डाले थे उसको डाल दीजिए। उसके बाद अभी आप लोग जो पासवर्ड सेट किए थे उसको डाल दीजिए। डालने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या आएगा, टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, नीचे जो एक्सेप्ट बॉक्स है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद सबमिट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये जो आया क्लोज कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते, अभी मेरा जो पैन कार्ड का एग्नेस्ट में एक ही म्यूचुअल फंड यहाँ पे है, SBI का म्यूचुअल फंड है, ये मेरे को शो कर रहा है यहाँ पे। ये डिटेल मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपको शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आप लोग को माई कैंप्स का आपका थ्रो में क्या क्या चीज कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप लेफ्ट साइड में जो 3 बार दिया है, 3 बार के ऊपर आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए माई इन्वेस्टमेंट है, ट्रांजेक्ट है। ट्रांजेक्ट का ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे आएगा सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। जैसे अगर आप लोग चाहते हैं न्यू फोलियो क्रिएट करने के लिए या न्यू म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए, तो आप लोग न्यू फोलियो के ऊपर क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका पास एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है या फोलियो है, आप लोग को इसमें एक्स्ट्रा आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चाहे 1 time हो गया या एडिशनल SIP आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। इसके हो गया स्विच हो गया, यहाँ पर हो गया रिडीम हो गया। रिडीम में अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे भी आपका जो शेयर है आप लोग उसको बेच सकते हो। रीडिंग का ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सारे ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपको देख सकते हैं DGSIP में आप लोग न्यू SIP क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद शेड्यूल्ड फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स, तो आपका कुछ अगर ट्रांजेक्शन शेड्यूल्ड है तो आपको यहाँ पे दिखाएगा। रिडिम्पशन यूजिंग माइन कैंप्स, जैसे मैं आपको बोला यहाँ पे आप लोग रिडीम कर सकते हो। उसके बाद हो गया रजिस्टर E-Mandate, अगर आप लोग चाहते हो कि मल्टीपल SIP यहाँ पे करने के लिए, तो एक ही मैंडेट में आप लोग सारे म्यूचुअल फंड को आप लोग मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप लोग माइन ट्रांजेक्शन का ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाएगा आपका सारे जितना ट्रांजेक्शन हुआ है आज तक, ये सारे ट्रांजेक्शन आपको दिखाएगा।
उसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट पेंडिंग ट्रांजेक्शन अगर कुछ है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन का ऊपर आप लोग क्लिक करते हो तो आपका जो जो एस आई पी है सारी चीज़ आपको यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कंप्लीटेड पेंडिंग। इसके बाद हो गया ट्रांजेक्शन समरी। ट्रांजेक्शन समरी में आप लोग को अभी तक कितना डिपॉजिट किया हो, कितना आप लोग का एस आई पी कटा है, कितना नंबर आपका एस आई पी कटा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगा। और अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आपका डिटेल यहाँ पे शो करेगा। तो अगर दोस्तों आप लोग स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग को स्टेटमेंट का ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ऑल म्यूचुअल फंड्स पीरियड आपको कहाँ से कहाँ आपको पीरियड देना है, उसके बाद आप लोग का पैन नंबर सिलेक्ट करना है, उसके बाद डिलीवरी ऑप्शन, ईमेल एड्रेस, एनक्रिप्टेड अटैचमेंट, उसके बाद आपको आपका कोई भी एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद आप लोग सबमिट कर दोगे तो आपको आपका ईमेल में एक पीडीएफ फाइल रिसीव होगा, उसमें आप लोग उसका डिटेल्स चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो किसी भी म्यूचुअल फंड का एनएवी चेक करने के लिए तो आप लोग यहाँ पे एनएवी के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आपको सारे म्यूचुअल फंड का आपको एनएवी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग माई कैंप्स को यूज करके आप लोग आपका सारे म्यूचुअल फंड को एक ही साथ में देख सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, चाहे आपका रिडीम हो गया या न्यू एसआईपी हो गया या एग्जिस्टिंग एसआईपी को मॉडिफाई करने के लिए सारे आप लोग को एक ही ऐप का थ्रू कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।